नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है टारगेट विद मनीष। तो दोस्तों आज फिर से आपके सामने मैथ्स का सीरीज लेकर आया हूं। मैथ्स में है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में क्या है कि आपको यहां पे एक दो लेक्चर दिया जाएगा और इसमें आपको जितने भी प्रश्न है उससे हर एक प्रश्न पे एक कंसेप्ट सिखाया जाएगा कि कैसे आप विद इन सेकेंड कोई भी टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम को आसानी से कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला है ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी एंड एबल टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज लेस देन बी। ठीक है, कह रहा है ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी। इसका इस लैंग्वेज का मतलब क्या है? ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी मतलब ए है जो बी से दुगना इफिशियंसी रखता है। गुड मतलब इफिशियंसी, मतलब गुड क्या होता है कि अच्छा जो काम करेगा। तो वही कह रहा है इफिशियंसी इसका कह रहा है टू टाइम है बी के। और कह रहा है कि एंड एबल टू फिनिश ये पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज लेस देन बी, यानी कि बी से 30 दिन पहले ये खत्म कर सकता है कोई काम को। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द होल वर्क। तो कह रहा है दोनों मिलके कितने दिनों में पूरा वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। प्रश्न का आंसर इस तरीके से बनाएंगे कि इफिशियंसी है, इफिशियंसी क्या दिया है, ए का इफिशियंसी और बी का इफिशियंसी। ठीक है, ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी यानी कि टू इफिशियंसी है और ये इसका बी का एक इफिशियंसी है क्योंकि कह रहा है ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी। ठीक है, आगे कह रहा है एंड एबल टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज लेस। अच्छा, इफिशियंसी क्या होता है? इफिशियंसी जो होता है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम। तो टाइम इसको कितना लगेगा? टाइम 1:2 में। आपको ये पता होना चाहिए कि इफिशियंसी जो भी है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम। तो क्या है कि जैसे कि जितना इफिशियंसी होगा, जितना क्षमता होगा आदमी में, उतना कम टाइम लगेगा। तो इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी 2:1 में ये इफिशियंसी है तो टाइम हो जाएगा 1:2 में। ठीक है, और कह रहा है कि एबल टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज लेस, यानी कि ये 2 यूनिट टाइम में ये फिनिश करेगा बी, और तो ये 1 यूनिट टाइम में, यानी कि डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट डिफरेंस है। और वे 1 यूनिट क्या दिया है? 30 डेज लेस है, यानी कि बी से 30 दिन लेस है, यानी कि 2 यूनिट माइनस 1 यूनिट 1 यूनिट। तो 1 यूनिट कितना टाइम का दिया है? 30 डेज। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 30 डेज, 30 डेज हो गया। तो इफिशियंसी, अच्छा टाइम कितना इसको लग रहा है? ए को टाइम कितना लग रहा है? ए को टाइम लग रहा है 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 30 डेज। और बी का टाइम कितना लग रहा है? 2 यूनिट, 2 यूनिट बराबर 60 डेज, यानी कि 60 डेज इसको लगता है। तो ए को 30 डेज लगेगा। तो मान लिया टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम हम ले लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क 60 आ जाएगा। तो इफिशियंसी हमको कितना दिया है? इसका इफिशियंसी 2 दिया है, 1 दिया है। ऐसे भी आप इससे निकाल सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 60 को 30 से तो 2 इफिशियंसी आएगा, और 60 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 इफिशियंसी आएगा। तो ये वर्क होता है टोटल वर्क, ये इफिशियंसी होता है और ये टाइम होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द होल वर्क। दे कैन, वर्ड पकड़िएगा, दे कैन मतलब कि दे दोनों मिलके। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2+1 यानी कि 3 काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। इफिशियंसी क्या होता है? एक दिन का काम कि एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो एक दिन में ये 2 काम कर रहा है, ये 1 काम कर रहा है। टोटल काम कितना? 60 काम है। तो ये 3 काम एक दिन में कर रहा है, तो 60 काम कितना दिन में करेगा? 60/3 करेंगे तो यानी कि 20 दिन, यानी कि 20 दिन में ये दोनों मिलकर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये आंसर आ जाएगा 20 दिन। तो आपको इसमें करना क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि एफिशिएंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम। टाइम से हमको यूनिट आ जाएगा कि जो डिफरेंस दिया है 30 दिन पहले, तो यानी कि 1 यूनिट का 30 है, तो ये टाइम कितना था? 1 यूनिट, 2 यूनिट, तो 30 और 60 कर देंगे 13:1 और 13:2। तो टोटल दोनों का वर्क कितना हो जाएगा? 60। या दोनों का एलसीएम लेंगे 60, इफिशियंसी है 2:1 यानी कि 2 काम करेगा एक दिन में, 1 काम करेगा एक दिन में ये बी। तो दोनों मिलके
या एक दिन में कितने काम करेंगे? तीन काम करेंगे, और टोटल काम कितना है? 60 है, तो 60 अपॉन 3 करेंगे तो 20 डेज में ये दोनों मिलके काम कर देंगे। ठीक है, तो अगला सेकंड प्रश्न कह रहा है पी क्यू आर आर थ्री टाइपिस्ट। ठीक है, वर्क साइमल्टेनियसली कैन टाइप 216 पेजेस इन 4 आवर। ठीक है, 4 आवर में पी क्यू आर जो तीन टाइपिस्ट मिलके 216 पेज करते हैं। तो ठीक है, इसी यहाँ पे प्रश्न कह रहा है 216 पेज, यानी एक आवर में कितना करेंगे? 216 पॉइंट 4 करेंगे। तो यानी कि पी क्यू पी एक आवर में एक पेज टाइप करता है, क्यू एक्स क्यू बाई टाइप करता है, और जेड पी क्यू आर सॉरी आर है तो आर करेगा जेड टाइप, यानी कि एक आवर में पी एक्स टाइप करेगा पेज, क्यू बाई करेगा, आर जेड करेगा। ठीक है, एक आवर में। और क्या कह रहा है कि लेकिन इसमें क्या है ना, क्या 216 पेज करते हैं 4 आवर में, ये प्रश्न बोला है। तो एक आवर में कितना दोनों सभी मिलकर करेंगे? एक आवर में यानी कि x प्लस y प्लस z इक्वल टू कितना जाएगा? 4 से डिवाइड किया हुआ है, तो यानी कि 5 चौबीस और 4 चौ 16, यानी कि 54 पेजे। ये 54 पेजे हमने क्या यहाँ पर लिखा, ले सपोज पी एक्स टाइप करता है एक्स पेजेज एक आवर में, एक आवर में ये बाई टाइप करता है, एक आवर में ये आर जेड करता है, यानी कि एक आवर में टोटल हमारा एक्स बाई जेड करेगा, और एक्स बाई जेड का वैल्यू कितना दिया है? 216.4 दिया है। तो ठीक है, दूसरा इसी में सेंटेंस कह रहा है इन वन आवर आर कैन टाइप एज मेनी पेजेज मोर देन क्यू, एज क्यू कैन टाइप मोर देन पी। इस प्रश्न का यही जिस्ट पॉइंट है, मतलब कि जिस्ट उसको क्या कहते हैं, मेन सेंटेंस यही है, इसी को समझना है, इसलिए मैंने ये प्रश्न लिया है। आर कैन टाइप एज मेनी पेजेज मोर देन क्यू, आर कैन, सेकंड इक्वेशन, ये तो फर्स्ट इक्वेशन बना, आर कैन, आर कैन, आर कितना कर रहा है? आर कर रहा है कितना? आर जेड कर रहा है, जेड टाइप कर रहा है। आर कैन, आर कैन टाइप एज मेनी पेजेज मोर देन क्यू, क्यू कितना कर रहा है? बाई कर रहा है, और एज क्यू कैन टाइप, क्यू कितना कर रहा है? बाई, क्यू कैन टाइप मोर देन पी, पी कितना कर रहा है? एक्स। तो यही कर रहा है इन वन आवर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन वन आवर, वन आवर में कितना कर रहा है? एक्स वाई जेड ये सब कर रहे हैं आपस में, एक्स एक कर रहा है, दूसरा वाई कर रहा है, तीसरा जेड कर रहा है। फिर कर रहा है कि इन वन आवर आर कैन टाइप एज मेनी पेजेज मोर देन क्यू, इन वन आवर मोर देन क्यू, यानी कि आर कितना कर रहा है? आर कैन टाइप एज मेनी मोर, ठीक है, आर जेड कर रहा है और क्यू बाई कर रहा है, और कह रहा है एज क्यू कैन टाइप, एज क्यू कैन टाइप, क्यू बाई कर रहा है और क्यू कैन टाइप मोर देन पी, पी एक्स कर रहा है। तो ये सेकंड इक्वेशन हुआ, इसको अगर सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा टू बाई इक्वल टू एक्स प्लस जेड। ठीक है, ये टू बाई इक्वल टू एक्स प्लस जेड, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है, आगे कहा यहाँ पे है ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 5 आवर। ठीक है, आगे देखिए, ये प्रश्न थोड़ा लंबी है लेकिन आपको समझना है। ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 5 आवर आर कैन टाइप एज मेनी पेजेस एज क्यू। ठीक है, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 5 आवर, तो 5 घंटे का पीरियड है, आर कैन टाइप एज मेनी पेजेस एज पी कैन ड्यूरिंग 7 आवर। तो कह रहा है कि ये जो 7z 5z = 7x, 5z कैसे यहां पे दिया है, आर कैन टाइप एज मेनी पेजेज एज पी कैन ड्यूरिंग 7 आवर। पी कितना? पी एक्स कर रहा है एक आवर में, तो 7 घंटे में कर रहा है कितना, यही कर रहा है आर कैन टाइप एज मेनी पेजेज एज पी ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 5 आवर। ठीक है, ये पीरियड ऑफ 5 आवर, ये पीरियड ऑफ 5 आवर जेड कर रहा है, आर कितना कर रहा है? जेड कर रहा है, और पी कितना करेगा? एक आवर में एक्स करता है, तो ये 7 आवर में 7 इंटू एक्स आ जाएगा। तो ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन है। अब क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन में हमको एक्स वाई जेड दिया हुआ है, सेकेंड इक्वेशन में एक्स वाई में इस तरीके से इक्वेशन आ गया, और 5z = 7x आ गया। तो इसमें तीन इक्वेशन आ गए, हमारा तीन वेरिएबल है। आपको पता है कि दो इक्वेशन में दो वेरिएबल होना चाहिए, तीन इक्वेशन में तीन वेरिएबल है। तो आप x की y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, y की वैल्यू
इसमें पुट कर देंगे तो और जेड की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो आपको कोई एक जेड या एक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्स और जेड सभी निकाल सकते हैं। एक्स और जेड एक से एक घंटे में पी करेगा टाइम और वाई करेगा क्यू और जेड करेगा आर। ठीक है, तो ये पी क्यू आर का एक घंटे का आपको निकल जाएगा। आप तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन मैंने ला दिया है, आप तीनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई जेड। आगे देखो प्रश्न करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ टाइम। ठीक है, ए कितना करता है, हाफ वर्क करता है 3/4 ऑफ टाइम में एज बी। ठीक है, तो ए हाफ वर्क करता है 3/4 यानी कि 3/4 समय में, 3/4 समय में हाफ वर्क करता है। ये कौन करता है, ए कर रहा है। ठीक है, तो एक कर रहा है इतना समय में इतना वर्क, तो एक समय में कितना करेगा, एक समय में करेगा 1/2 × 3/4 यानी कि 2 यानी कि 2/3, ये 2/3 है। ठीक है, ये कितना इतना वर्क कर रहा है, एक ये कर रहा है वर्क इतना कर रहा है एक समय में, यूनिट समय में इतना वर्क कर रहा है। और यूनिट समय में बी कितना कर रहा है, यूनिट समय में बी एक काम कर रहा है, उसी के रिस्पेक्ट में ले रहा है कि 3/4 काम कर रहा है। 3/4 कितना का, एक ही का होता है, 3/4 काम कर रहा है। तो ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी क्या हो गया, यूनिट टाइम में ये यानी कि एक यूनिट टाइम में इतना काम कर रहा है, ए का एफिशिएंसी हो गया 2/3 और बी का एफिशिएंसी हो गया एक काम कर रहा है यूनिट समय में बी, ए और ये बी। ठीक है, इसको और सरल रूप में तोड़ दे तो ये 2/3 इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये बी का एफिशिएंसी हो गया और ये ए का एफिशिएंसी हो गया। एफिशिएंसी आपको समझ में आया, ये इतना काम कर रहा 2/3 काम कर रहा एक समय में यहाँ पे देखा 3/4 समय में इतना काम कर रहा, यानी कि एक समय में इतना काम करेगा, यानी कि 3/2/3 एक यूनिट टाइम में करता है और एक यूनिट टाइम में भी एक काम करता है, यानी कि एफिशिएंसी को और सरल रूप में इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2:3 में आ जाएगा एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी 2:3 के रेशियो में है। और कह रहा है इफ टुगेदर दे टेक 18 डेज, यानी कि दोनों मिलकर 18 डेज लेते हैं, तो यानी कि एक डेज में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, 3 × 2 = 5, 18 दिन में कितना लेंगे, 18 यहाँ पे दिखा रहा है 18, तो 18 दिन में कितना काम करेंगे, 18 दिन में 90 काम करेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट, तो बी कितना समय लेगा अकेले करने में, टू डू इट मतलब अकेले वो करने में कितना समय लेगा, यहाँ पे कंप्लीट लिखा नहीं है लेकिन वो बी पूछ रहा है कि बी कितना समय लेगा। ठीक है, तो बी का एफिशिएंसी अपन देखते हैं, बी का एफिशिएंसी 3 है, टोटल वर्क हमारा 90 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 एक दिन में काम कर रहा है एक यूनिट टाइम में, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल वर्क में ये 30 यानी कि 30 डेज में बी अकेले काम कर देगा। ठीक है, तो ये थी आज का टाइम एंड वर्क का सीरीज, और अगले लेक्चर में फिर से नए कंसेप्ट के साथ मुलाकात होगी, इसी टाइम और वर्क को आगे बढ़ाएंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद।